नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। जिला खरगोन मध्य प्रदेश नगर परिषद कसरावद द्वारा फुटला तालाब पर किया वृक्षारोपण। कसरावद नगर परिषद द्वारा अमृत 2.0 योजना अंतर्गत वाटर बॉडी रिजुविनेशन योजना हेतु नगर के वार्ड 01 में स्थित फुटला तालाब पर पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। नगर परिषद विधायक प्रतिनिधि राजेंद्र सिंह यादव द्वारा बताया गया वृक्षारोपण का जो लक्ष्य है करीब 1000 पौधे लगाए जाएंगे, जिसमें उसकी पूर्ण सुरक्षा ट्री गार्ड एवं पानी देने की व्यवस्थाएं और उसकी देखभाल की जाएगी और पौधे को लगाने के बाद पेड़ बनाने का लक्ष्य भी है। उनका कहना है महज पौधा लगाया नहीं जाएगा, उसको पेड़ बनाया जाएगा। उक्त पौधारोपण कार्यक्रम में विधायक प्रतिनिधि राजेंद्र सिंह यादव, पार्षद डॉक्टर शिरीष जायसवाल, पप्पू सोनी उपाध्यक्ष प्रतिनिधि व मुख्य नगर पालिका अधिकारी कमलेश बोले एवं निकाय के समस्त कर्मचारी गण उपस्थित थे। बाइट राजेंद्र सिंह यादव विधायक प्रतिनिधि हसम खत्री, आज तक 24 न्यूज। नगर परिषद द्वारा फुटला तालाब जहां भारी गंदगी और कचरा कूड़ा और अतिक्रमण हो रहा था, ऐसे स्थान को चिन्हित करके फुटला तालाब के सौंदर्यीकरण के अंतर्गत आज हमारे नगर परिषद द्वारा मां समाज सेवक जो है अलग 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 समाजों के, उनके साथ में वहाँ वृक्षारोपण किया गया ताकि नगर के लिए एक अच्छा स्थान डेवलप हो सके और फुटला तालाब का सौंदर्यीकरण हो सके। इसी के तहत आज वृक्षारोपण और इसके साथ ही जल्द ही हम वहाँ उसकी बाउंड्री में तार फेंसिंग करके और उसको एक सुंदर स्थान पूरे नगर के लिए बनाने का संकल्प हमारी परिषद ने लिया है और शीघ्र ही हम उस काम को अच्छे तरीके से करने की हमारी कोशिश है ताकि नगर को एक मॉर्निंग वॉक के रूप में और हरियाली हो, नगर में एक सुंदर स्थान हमारा बनकर तैयार हो, ऐसी हमारी परिषद की कल्पना है और उसको निश्चित रूप से हम साकार करें। लगभग कितने पौधे लगाए गए? आज तो कम पौधे लगे हैं लेकिन सफाई जारी है। लगभग हमारा वहाँ 1000 पौधे लगाने का हमारा लक्ष्य है कि 1000 पौधे उस स्थान पर लगे और उनको पेड़ बनाना ये भी हमारा संकल्प है। हमने उनके पौधों के लिए ट्री गार्ड की व्यवस्था भी की है, ट्री गार्ड भी लग रहे हैं और तालाब का सौंदर्यीकरण, वहाँ की पिचिंग भी होगी, उसकी एक जो अंदर की दीवार बनेगी और पत्थरों की पिचिंग होके और उसको एक अच्छा सुंदर स्थान बनाने की हमारी कल्पना है।